नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, वहां असंभव कुछ भी नहीं है। अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लेकिन सबसे ज्यादा यदि सियासत कहेंगे गर्म है तो वो है पश्चिम बंगाल। इस सर्द मौसम में वहां का तापमान बहुत ज्यादा है। इसी बीच BCCI के जो चीफ हैं सौरव गांगुली, वो मिले सबसे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से। वहाँ पे उनकी, जैसा कि उन्होंने बाहर निकल के बताया, कर्टसी कॉल थी और ईडन दौरा के लिए उनको आमंत्रित करने गए थे, लेकिन जगदीप धनखड़ से जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ईडन समेत तमाम मुद्दों पे उनसे बातचीत हुई। ये बात अलग है कि उन्होंने वो मुद्दे नहीं बताए। अब इसे इत्तेफाक कहें या पहले से ये सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा था कि एक दिन पहले वो राज्यपाल से मिले और दूसरे दिन कोटला में गृह मंत्री अमित शाह से, वहाँ पे अरुण जेटली की प्रतिमा का अनावरण होना था। तो अब जो दादा हैं वो यहाँ भी पहुँचे, तो स्वाभाविक रूप से यदि राज्यपाल और गृह मंत्री से उनकी लगातार मुलाकात होती है तो सवाल तो उठेंगे कि क्या राजनीति में आ रहे हैं। यद्यपि राजनीति में आने को लेकर के उन्होंने कभी कुछ स्पष्ट नहीं कहा और हमेशा वो मना ही करते रहे। उनकी पत्नी जो है वो जरूर कही थी कि यदि वो आते हैं तो वहाँ भी शीर्ष पे ही रहेंगे। अब जरा दोनों बयानों को कनेक्ट करते हैं। और अमित शाह ने पिछले दिनों ये बोला था कि हम वहाँ पे चीफ मिनिस्टर किसी बंगाली को उन्हीं के बीच के लोगों को देंगे। अब उससे कनेक्ट हो रहा है ये बात, लेकिन अभी इस पर कुछ भी कहना थोड़ी सी जल्दीबाजी होगी। बहरहाल इस पर चर्चा और बहस जम करके हो रही है। अब यदि आप पिछले बैकग्राउंड पे नज़र डालेंगे तो सौरव गांगुली की लेफ्ट से भी नज़दीकी रही, और आपको याद होगा कि उन्हें एक भूखंड दिया गया था। वो भूखंड बाद में किन्हीं वजहों से विवादित हो गया, फिर ममता बनर्जी के राज में भी उनको विवाद को दूर करके फिर उसे दिया गया, लेकिन उन्होंने बाद में उसे लौटा दिया था। तो यदि वैसे देखेंगे कि उनका जो पूरा करियर रहा है क्रिकेट से लेकर के और अभी तक जो BCCI में जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वहाँ पे कप्तान रहे तो सफल कप्तान के रूप में रहे, तो बहुत ब्राइट करियर रहा है, बहुत साफ गोई के साथ बोलने वाले हैं। ममता बनर्जी के पार्टी के सांसद हैं सौगत राय, वो कहते हैं कि यदि दादा आते हैं इधर राजनीति में तो ये ठीक नहीं होगा। पश्चिम बंगाल से इकलौते वो शख्स हैं जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे, लिहाजा उनका रिगार्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और यदि वो पार्टी पॉलिटिक्स में पड़ते हैं तो निश्चित रूप से ये उनके सम्मान के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि राजनीति में होता क्या है कि बहुत छिछलेदार होती है और बहुत निचले स्तर पे आजकल की जो पॉलिटिक्स है उसमें जाकर के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, और ऐसा कोई हो नहीं सकता कि कोई भी राजनीति के मैदान में उतरे और उस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर न चले। वो चीज़ें पता की जाती है जो कि आपको पता भी नहीं होगा, या आप भूल चुके होंगे, या दूर दूर तक आपसे वास्ता नहीं होगा, ऐसे ऐसे आरोप लगते हैं। तो क्या BJP कुछ पश्चिम बंगाल के लिए प्लान कर रही है ऐसा? यदि वो ऐसा करती है तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, और ये दो दिन में ही इन मुलाकातों का सिलसिला, पहले से सौरव गांगुली से BJP के ट्यूनिंग, ये सब परिस्थितियों को देखते हुए आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और हाल के दिनों में जो पश्चिम बंगाल में डेवलपमेंट हुए हैं, जिस तरीके से TMC के 10 विधायक और उसमें कांग्रेस के भी विधायक थे और लेफ्ट के भी, एक सांसद टूट करके BJP की तरफ आया, और अब प्लानिंग बने कि एक के बाद एक और उधर टूट होनी है और इधर जो है अपने को मजबूत करना है। इसमें ऐसा चेहरा ढूंढा जा रहा है कि जो करिश्माई हो, जो लोगों को आकर्षित करे, सबका उसको सम्मान और स्नेह मिले। उस लिहाज से देखेंगे तो सौरव गांगुली एकदम उस खांचे में फिट बैठ रहे हैं। जो BJP के वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, उनसे भी पूछा गया तो वो भी इसका गोलमोल जवाब देते रहे कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, और आएंगे तो ये बहुत सम्मान और बहुत खुशी की बात है। 12 BJP के लिहाज से और राजनीति के लिहाज से सौरव गांगुली फिट बैठते हैं, उनकी पत्नी भी इशारा कर रही है और गृह मंत्री अमित शाह भी इशारा कर रहे हैं और राज्यपाल भी इशारा कर रहे हैं, लेकिन अंतिम समय पे वो क्या फैसला करते हैं इस पे हमारी नजर रहेगी। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।